नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कैसे हैं आप सभी? आप सभी मजे में है ना विद्यार्थी मित्र? चलिए आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में हमारी जो इकाई नंबर 5 जय विज्ञान की है उसे आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने अगले वीडियो में इस कविता की चर्चा की थी, तो आज हम इस कविता को पूर्ण करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए अब कविता को शुरुआत से फिर एक बार समझ लेते हैं, यानी कि कविता का शुरुआत से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं, बाद में हम आगे की जो बाकी की कविता है वह पढ़ेंगे। तो जय विज्ञान की इस कविता में किसान और जवान के साथ साथ विज्ञान की जय बताई गई है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, यानी जवान की जय हो, किसान की जय हो और विज्ञान की भी जय हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अर्थात कवि इस इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि जवान की जय हो, किसान की जय हो और साथ ही साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भी जय हो। वैज्ञानिक आविष्कारों से आविष्कार साधनों से आज हमारा जीवन सुविधापूर्ण बना है। सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ है, एक के बाद एक अनेक सुविधाएं आती जाती है। इनसे लोगों के सुख और भोग में वृद्धि हुई है, वृद्धि यानी कि बढ़ती हुई है। तो इन अलग अलग वैज्ञानिक आविष्कार यानी साधनों के कारण लोगों के सुख सुविधा में वृद्धि हो रही है। इनके कारण समय और शक्ति का भी बचाव हो रहा है, तो हमारा समय बचता है और साथ ही साथ हमारी शक्ति का भी बचाव होता है। जादू की तरफ विकास हुआ है, एक नया पन आ गया है, जादू आ गया है, जादू की तरह आज विकास होने लगा है। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो पहले के जमाने में इतना तेजी से विकास नहीं हो रहा था जितना आज इस 21वीं सदी में विकास हो रहा है। यानी कि जिस पथ पर जल्दी पहुंचने का आनंद मिले
गंगा यमुना रचराई तो अधर अधर यानी कि होल। गंगा यमुना लहराना बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित होना या विशाल इस प्रकार हो सकता है कि खुशहाल होना। बच्चे नई सदी के बोले दुनी अपनी शान की शान यानी कि शोभा या प्रतिष्ठा। शान अर्थात शोभा या प्रतिष्ठा। शोभा या प्रतिष्ठा एक बार फिर से देखिए। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर यानी कि यह जो नई 21वीं सदी है उसके बच्चे जो पहले पुरानी
सबसे पहले पहला शब्द शब्द है, देखिए यश। यश यानी कि कीर्ति। दुनिया में यश पाएंगे तो दुनिया यानी कि जबर। दुनिया यानी कि जबर। और उसके बाद जो शब्द है वह है यश। तो यश यानी कि कीर्ति। यश यानी कि कीर्ति। चले समय के साथ कभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा तो वसुधा यानी कि पृथ्वी, धरती। वसुधा अर्थात यह जो पृथ्वी है वह पृथ्वी या धरती। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधा निर्माण करना। स्वर्ण सवेरा लाना अर्थात सुख सुविधा निर्माण करना। स्वर्ण सवेरा लाना अर्थात निर्माण करना। स्वर्ण सवेरा लाना अर्थात सुख सुविधा निर्माण करना। आगे देखिए, फिर करने शुरुआत सभी को मानवता के गान की। नीच यानी कि अपना। नीच अर्थात अपना। नीच का अर्थ होता है अपना। नीच प्रयास से प्रयास यानी कि प्रयत्न। प्रयास अर्थात प्रयत्न या कोशिश। प्रयत्न अर्थात प्रयास या कोशिश। तो देखिए अगला जो शब्द है वो मानवता। मानवता यानी कि मनुष्यता, इंसानियत। मानवता अर्थात मनुष्यता या इंसानियत। मानवता यानी कि मनुष्यता या इंसानियत। तो यहाँ पर एक बार फिर से पंक्ति देखिए। चले समय के साथ कभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करने शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो देखिए इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अगर हम समय के साथ कदम पर कदम मिलाकर चलेंगे तभी इस दुनिया में यश यानी कि यश अर्थात कीर्ति प्रतिष्ठा पा सकेंगे। हम अपने प्रयत्नों से निज यानी कि अपने, तो हम अपने स्व निज प्रयत्नों से निज स्व प्रयत्न से ही दुनिया में यश पाएंगे। और इस धरती पर, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा यानी कि सुख सुविधाओं का उत्पन्न कर सकेंगे या सुनहरी सुबह ला सकेंगे। हमें मानवता के
अपना यस फॉर्म। फिर देखिए यहाँ पर प्रयास, तो प्रयास यानी प्रयत्न या कोशिश, प्रयास अर्थात प्रयत्न करना, कोशिश करना, मानवता, तो मानवता अर्थात मनुष्यता, इंसानियत, मानवता मनुष्यता इंसानियत। और यह जो दो है वह मुहावरे के अर्थ है। नंबर एक है गंगा यमुना लहराना, गंगा यमुना लहराना अर्थात बहुत आनंदित होना, गंगा